अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेश होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं उमर पिजन लवर जी। दोस्तों सुबह का टाइम है, दोपहर हो रही है, तो माशाल्लाह कबूतरों को खुला छोड़ा हुआ है। माशाल्लाह देखे कैसे सारे कबूतर मस्त हैं, ठीक है, मस्त हो रहे हैं, मस्ती में हैं कबूतर सारे। माशाल्लाह ये देखे कैसे गुटक रहे हैं, ठीक है, दोनों साइडों में दोस्तों खोले हुए हैं, इधर जिधर बच्चे निकले इधर भी और दूसरी साइड में। तो माशाल्लाह ये देखे इधर सारे फिर रहे हैं माशाल्लाह अपना, ठीक है ना, धूप वगैरह सेक रहे हैं। तो ये सारे अभी इधर दीवार के साथ लगे हुए थे, तो मैं इधर को आया और ये साइड में हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये इसके साथ माशाल्लाह पेड़ लगा हुआ जाक मादी का, ठीक है। और बाकी एक वो देखे, एक वो लखाना और उसकी मादी का पीछे पड़ा हुआ, लेकिन इसका ये वाला पेड़ है इन दोनों का, ठीक है ना। लखा है अभी उधर जा रहा है। तो बाकी माशाल्लाह से ये देखे दोस्तों, ये मादी, इसके दो बच्चे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों ये मादी मुझे लग रही है जैसे कि हल्का सा झोला पकड़ रही है, तो अभी कंफर्म नहीं पता, क्योंकि ये एक तरफ को अपनी गर्दन करके चार रही है, ठीक है ना। ये देखें, या इसमें जूम आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा पास जाता हूँ, तो ये देखें दोस्तों, ये देखें, ये थोड़ा सा मुझे लग रही है यहाँ तो पुराने लखमे में कहीं। ये देखें दोस्तों, ये कबूतर उधर पीछे से आया सैर करके दाना वगैरह खा गए। तो ये मादी दोस्तों आज ही मैंने अभी नोट किया इसको, तो मैं देखूंगा कि इसको क्या चक्कर है। बाकी माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन मादी है। ये देखे दोस्तों कबूतर माशाल्लाह अपना मस्त घूम रहे हैं, इधर वाले कबूतर उधर चले गए हैं और उधर वाले इधर आ गए हैं, ठीक है ना। ये देखे माशाल्लाह से, ठीक है, ये देखे माशाल्लाह दोस्तों, अभी इधर बस वो एक ही पेड़ ने अंडा दिया है, ये मादी ये खड़ी हुई बस इसने, तो बाकी तो नहीं। और दोस्तों एक मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब कि बैठ नहीं उसी है कि दोस्तों, एक जो मेरा जीरा पेड़ था मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखे दोस्तों, ये इधर चला गया, ये देखे मादी, ये दोस्तों मादी देखिए ये कैसे देख रही है, ये ऐसे ना ऐसे देखती है, ये देखें इसको पता नहीं, एक तरफ ये देखें ऐसे है, ये शायद झोले में ही आ रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों बैठने यही है, ये देखे मादी दोस्तों, ये इनके केज में आ गई है। ये वाली जो मादी है दोस्तों, इधर एक अंडा इस मादी ने दिया था दोस्तों, इन्होंने बच्चा ही नहीं निकाला, ठीक है, अनफर्टाइल एग्स था, मतलब कि वो हाफ बच्चा बना उसके अंदर और हाफ नहीं बना, मतलब कि आधा फर्टाइल था, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से वो एग्स ज़ाया हो गया दोस्तों। बाकी माशाल्लाह इधर भी बेबी पिजन है, उधर भी बेबी पिजन है, और इधर भी माशाल्लाह से बेबी पिजन है, ठीक है। तो माशाल्लाह हेल्दी एक्टिव पाल रहे हैं अपना दोस्तों। इधर अभी तक वो बस एक पेयर ने अंडा दिया, बाकी अभी किसी ने नहीं दिया। तो इधर दोस्तों मैंने दो वाइट पेयर छोड़े थे, लेकिन मैंने एक दोस्तों इधर से वापस निकाल लिया, तो क्योंकि दोस्तों उसकी भी एक वजह थी, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ दोस्तों। क्योंकि वो दोस्तों जब भी मैं बाहर खोलता था ना, ये देखे दोस्तों कैसे डर रहे हैं, मैंने चारपाई लगाई होती है कहीं उधर वाली साइड में ना आ जाए, लेकिन ये दोस्तों फिर भी निकल जाते हैं। तो दोस्तों वो जब भी मैं खोलता था ना, तो वो दोस्तों पैर भाग के इस तरफ आ जाता था, और मादी दोस्तों उधर अपना क्रेट भी नहीं मतलब एक्सेप्ट कर रही थी, और वो इधर इधर को भाग के आ रही थी, और जिसकी वजह से मैंने कहा ऐसे एक्ट दे देगी और वो फिर हाफ अनफर्टाइल होंगे, जिसकी वजह से दोस्तों बच्चे फिर नहीं निकलते, तो फ़ायदा नहीं है। उधर कबूतरों को बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था दोस्तों, अजाना भी शुरू होने शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों चलो अजाने हो जाते हैं, फिर मैं वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करूँगा जी। दोस्तों जाने हो गया, तो मैंने माशा दोस्तों मैं आपको जैसे बता रहा था कि मैंने वो पेयर इसके अंदर शिफ्ट कर दिया, मैं आपको अंदर जाके दोस्तों दिखाता हूँ। तो वो दोस्तों माशाल्लाह से इधर काफ़ी ठीक है, मतलब के उधर दोस्तों ये ढीली ढीली भी हो रही थी जाके बजा, तो मैं आपको इधर से दिखाता हूँ दोस्तों। वो देखे सामने ही बैठी हुई है मादी, और इसके साथ मैं नारा, तो दोस्तों इधर आ कर काफ़ी खुश भी है, ठीक है। और ये माशाल्लाह क्रॉस वगैरह भी हुई है, तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह एग्स भी आई हुई है दोस्तों, इंशाल्लाह दो तीन दिन में एग्स दे देगी मादी, ठीक है ना। तो बाकी एक दोस्तों इसमें दो एग्स पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह वो बच्चे निकल आएंगे जल्दी। तो वो दोस्तों एक अंडा इस वाली मादी का, मतलब के जो इधर पैर बैठे हुए एक उसका अंडा, और एक दोस्तों जो मैंने दूसरे वाले केज में शिफ्ट कर दिया ना, उस वाले केज का दोस्तों वो अंडा है माशाल्लाह से, ठीक है ना। तो उन्होंने एक तोड़ दिया था, तो मैंने रखने थे दोनों ही थे, लेकिन उन्होंने एक दोस्तों एक्स तोड़ दिया, तो मैंने फिर एक ही इसके नीचे रख दिया और एक दूसरा उनका रख दिया। और अब दोस्तों मैं आपको इस वाले केज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस देता हूँ, इधर क्या चक्कर है दोस्तों देखते हैं अभी। तो ये देखे दोस्तों माशाल्लाह से सारे माशाल्लाह पेयर एक्स पे बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह से दोस्तों मेरे ही हिसाब से इधर भी एक्स आ गए हैं, कहीं पास करके देखता हूँ उठ से जा आ गए हैं, बैठा हुआ है जैसे दोस्तों इधर कल का ही बैठा हुआ है। उन्होंने तो एक एग्स दे दिया, एक माथे में ये देना आज, जैसे टेल इसने फेंकी हुई है, तो शुक्र है दोस्तों एग एग्स आए इधर। मैंने तो मैं तो बड़ा मेहनत लगता है, ये पैर ना हो गया खराब। तो ये देखिए मादी आई है इधर साइड में,
अभी डॉक्टर देखा, हाँ दोस्तों मार्शल एग्स आ गया, वो देखे एग नज़र आ गया मुझे, ये देखे ठीक है। तो चलो शुक्र है दोस्तों, ये गुड न्यूज़ हो गई आज। और बाकी दोस्तों इधर सब एग्स पे अपने बैठे हुए हैं, ये देखे माशाल्लाह से नीचे भी। तो दोस्तों इन्होंने माशाल्लाह से एक ही दिन में एग दिए थे, मतलब कि आगे पीछे ही हैं। तो इंशाल्लाह मतलब कि एक दो दिन में ये इकट्ठे ही चूज़े, इंशाल्लाह बच्चे निकलेंगे, चूज़े कह रहा हूँ ठीक है, बेबी पिजन चिक्स। तो ये देखे दोस्तों इधर धूप काफ़ी लग रही है, कबूतर मस्त हो के अपना, ये देखे दोस्तों एक कबूतर इस तरफ को आ जाता है, ये सफ़ेदी खाने इसका क्या करूँ दोस्तों, इधर एक बिठे कर देता फिर गंद बड़ा मचाता है ये वाला। तो ये देखे दोस्तों माशाल्लाह कबूतर बाहर कैसे अपना मस्त हो रहे हैं, मस्तियाँ करते फिर रहे हैं ठीक है ना। ये देखे दोस्तों बस इन्होंने एग्स दोस्तों ख़राब कर दिए, ये मुझे धोखा था, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा एग्स पे जल्दी ही आ जाएगा पेयर, क्योंकि ये देखे नर भी काफ़ी मस्त है और मादी भी हो रही है, तो इंशाल्लाह ये एग्स दे देंगे जल्दी। तो वो वाइट पेयर है दोस्तों, वो भी इंशाल्लाह उसका भी है, वो भी एग्स दे देगा। और एक इधर ये जाक मादी के साथ दोस्तों जो नर फेरा वो भी एग्स पे ही है ठीक है ना। तो ये दोस्तों इधर बस ये मैं चार पाँच इधर दोस्तों लगा देता हूँ, ताकि इस साइड में रहें, पूरी छत पर गंद ना फैलाएँ, तो क्योंकि दोस्तों फिर ये गंद फैलाते हैं तो फिर मसला होता है। तो बस इधर ठीक अपना खुशी से आराम से इधर सैर वगैरह करते हैं ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके सकते हैं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके साथ बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का आपको सस्ते नोटिफिकेशन पहुँच सके। ओके दोस्तों अल्लाह हाफिज़।